आप लोग का स्वागत है। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को Redmi Note 8 और Realme 5 के बीच में एक फुल कंपैरिजन जो वो देने वाला हूं। और यहां पर दोस्तों 10,000 की रेंज में फिलहाल के लिए ये दो ही ऐसे स्मार्टफोन है जो बहुत ही किलर है और इनमें काफी सारे कमाल के फीचर्स आपको मिलते हैं। अब यहां पर दोस्तों बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज्ड है इन दोनों स्मार्टफोन्स के बीच में, तो ये वीडियो देखते रहिए। हमेशा की तरह टेक्नोरोज स्टाइल में मैं आपको इनको फुल कंपेयर करके बताऊंगा और कंक्लूजन दूंगा कि दोनों में से आपको कौन सा स्मार्टफोन सबसे बढ़िया देखने को मिलता है। अब शुरुआत करते Realme 5 से, तो ये इंडिया में तीन अलग अलग वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है। इसका जो बेस है 332, वैसे तो 10,000 का था लेकिन अभी कुछ 9,000 का मिल रहा है। और एक आपको 464 मिलता है, वो कुछ आपको 10,000 का मिलेगा। और इसका 4/120 वाला वेरिएंट भी मिलेगा आपको, जो कुछ आपको 11,000 में मिलता है। तो ये कुछ इस तरीके की इसकी प्राइस है। Redmi Note 8 इसमें दो ही वेरिएंट है, बेस 464 स्टार्ट होता है 10,000 से और एक 6/120 भी मिलता है जो आपको कुछ 13,000 का मिलता है। तो प्राइस एकदम आसपास ही है, यहां पर कोई फर्क नहीं है। अभी सबसे पहले यहां पर दोस्तों शुरुआत करते इनकी डिजाइन और बिल्ड से, तो मैं लेता हूं Redmi Note 8 को। वैसे यहां पर दोस्तों पीछे आपको जो वो ग्लास बैक मिलता है, ये Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन के साथ में आता है। और यहां पर आपको ग्रेडियंट फिनिशिंग उन्होंने दिया है, इसमें वैसे अलग-अलग कलर्स भी आपको मिलते हैं, लेकिन यहां पर पीछे आपको कर्व्ड एजेस नहीं मिलते, ये चीज आपको ध्यान रखना है। हालांकि दोस्तों फोन काफी कॉम्पैक्ट है, वन हैंड में मैंने जब इसको यूज किया तो मुझे कोई इशू नहीं आया था, हाथ से गिरने का कोई डर नहीं था। और यहां पर दोस्तों बहुत ही जबरदस्त लगता है, काफी प्रीमियम फील देता है और ऑब्वियसली ग्लास बैक है तो स्क्रैच आने का यहां पर टेंशन नहीं है और हाथ से गिरेगा तो टूटने का डर भी थोड़ा सा आपको यहां पर कम रहेगा क्योंकि Gorilla Glass 5 है, तो कुछ इस तरीके का आपको मिलता है। लेकिन यहां पर इसका जो कैमरा का जो बंप है ना, वो थोड़ा ज्यादा है, वो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। बाकी ओवरऑल तो आपको ये कुछ वैसे मिलता है। और ये दोस्तों आपको 190 ग्राम्स का मिलता है और 8.4 mm की थिकनेस पर मिलता है, तो ज्यादा भी हैवी नहीं है और ज्यादा भी मोटा नहीं है, कुछ इस तरीके की आपको इसकी डिजाइन मिलती है। Realme 5 की बात करें दोस्तों, तो ये आपको प्लास्टिक बैक पर मिलता है, तो पहला वॉर तो ये यहीं पर हार गया क्योंकि ग्लास और प्लास्टिक में काफी फर्क होता है। और ये वैसे पीछे की तरफ आपको कर्व्ड एजेस दिया तो यहां पर ग्रिप होल्ड करने में थोड़ा आपको बेटर लगता है। और साथ में यहां पर डिजाइन अगर आप देखते हो तो ये देखने में ये थोड़ा सा प्रीमियम लगता है क्योंकि इसमें आपको डायमंड कट उन्होंने जो वो इफेक्ट दिया है, ग्लॉसी फिनिशिंग है और थोड़ा बहुत ग्रेडिएंट यहां पर उन्होंने मार के दिया, तो देखने में ये थोड़ा बेटर लगता है। और यहां पर दोस्तों ये आपको 198 ग्राम्स का मिलता है और 9.3 mm की थिकनेस पर मिलता है, तो ये Redmi Note 8 से थोड़ा सा बल्की और थोड़ा सा चौड़ा है क्योंकि इसमें 5000 mAh की आपको बैटरी भी मिलती है, स्क्रीन साइज भी थोड़ी सी बड़ी है। लेकिन यहां पर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो मुझे Redmi Note 8 बेटर लगा है और अगर मैं लुक की बात करूं तो मुझे Realme 5 का डिजाइन बेटर लगा है। अब यहां पर दोस्तों डिस्प्ले की बात करें तो Redmi Note 8 में आपको 6.3 इंच की फुल HD प्लस की यहां पर एक वाटरड्रॉप नॉच वाली जो डिस्प्ले मिलती है, हाउएवर इसको Xiaomi डॉट नॉच बोलता है लेकिन बात तो वही हो जाती है। और यहां पर दोस्तों आपको इसमें Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, डिस्प्ले की प्रोटेक्शन काफी बढ़िया है और ऑब्वियसली ये एक IPS डिस्प्ले और जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है वो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप उसको पुराने Redmi Note 7 से भी कंपेयर करते तो इस बार जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो उन्होंने दिया है ये मुझे काफी बढ़िया लगा। अब जो डिस्प्ले है दोस्तों ये बहुत ही कमाल का लगता है, यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसका जो व्यूइंग एंगल से जो कलर से वो सब कुछ आपको काफी बढ़िया मिलता है। Realme 5 की बात करें तो यहां पर आप लोगों को थोड़ी बड़ी स्क्रीन साइज वाली डिस्प्ले मिलती है 6.5 इंच की है और यहां पर ये भी आपको वाटरड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले मिलती है और ये भी आपको IPS डिस्प्ले मिलती है, लेकिन ये आपको HD प्लस में मिलती है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है क्योंकि Redmi Note 8 में आपको फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिल रही थी। यहां पर दोस्तों आपको Gorilla Glass 3 प्लस वाली प्रोटेक्शन मिलती है, ये एकदम से नई वाली है, हमें पता नहीं कॉर्निंग ने इस पे ज्यादा कुछ बताया नहीं था, लेकिन हां आपको Gorilla Glass 3 प्लस की प्रोटेक्शन मिलती है। और अगर मैं बेजल्स की बात करूं तो इसमें भी आपको काफी कम बेजल्स मिलते हैं, लेकिन मैंने जब Redmi Note 8 से कंपेयर किया तो नीचे के जो बेजल्स थे, नीचे का जो चिन्ह था, वो Redmi Note 8 का थोड़ा सा कम था जबकि Realme 5 में थोड़ा सा ज्यादा था। हाउएवर दोनों की डिस्प्ले क्वालिटी कमाल की है, IPS है तो ज्यादा कुछ वो नहीं फर्क नहीं है, लेकिन बस Redmi Note 8 में फुल HD प्लस की डिस्प्ले और Gorilla Glass 5 है वहां पर, तो इस मामले में Redmi Note 8 का डिस्प्ले आपको बेटर मिलता है। अब यहां पर परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो दोनों में सेम प्रोसेसर मिलता है, Qualcomm Snapdragon 665 2GHz के ऊपर है, Adreno 610 वाला GPU है, दोनों भी आपको 11 nm पर मिलते हैं। परफॉर्मेंस में कोई खास फर्क मुझे यहां पर नजर नहीं आया, दोनों एकदम ही क्लोज थे। बस याद रखना है कुछ गेम्स यहां पर हाई ग्राफिक्स पर नहीं जाते क्योंकि कंपनी ने उसको, मतलब Qualcomm ने उसको डेवलपर्स के साथ में मिलकर ऑप्टिमाइज नहीं किया है। हाउएवर प्रोसेसर की कैपेबिलिटीज है कि वो हाई ग्राफिक्स में खेल सकता है, बाकी डे टू डे लाइफ में तो आपको दोनों में कोई इशू नहीं आएगा, सब कुछ बढ़िया है। और दोस्तों गेम खेलते वक्त अगर मैं हीट की बात करूं तो दोनों ही उतने ही हीट होते हैं, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ये ज्यादा ओवर हीट होता है या ये ज्यादा ओवर हीट होता है, हीटिंग भी दोनों की एकदम क्लोज है, ज्यादा भी कोई लफड़ा वहां पर नहीं है, तो परफॉर्मेंस यहां पर एकदम सेम है, इस मामले में मैं आपको यहां पर कुछ नहीं कह सकता हूं। अब यहां पर दोस्तों बैटरी की बात करें तो Redmi Note 8 में आपको 4000 mAh
mAh की बैटरी मिलती है, वही सेम टिपिकल Xiaomi स्टाइल बैटरी आपको मिल रही है, लेकिन यहां पर दोस्तों 18 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो दिया ही है, प्लस 18 वॉट का फास्ट चार्जर उन्होंने बॉक्स में दिया है। ये एक बहुत ही बड़ी चीज है जो इस बार Xiaomi ने किया है, एक 10,000 के फोन में आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जर उन्होंने बॉक्स में दिया है, ये एक अप्रिशिएटिंग बात है। Realme 5 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, बैटरी कैपेसिटी काफी बढ़िया है यहां पर, लेकिन यहां पर आपको कोई भी फास्ट चार्जिंग या फास्ट चार्जर उन्होंने बॉक्स में नहीं दिया, तो एक बहुत बड़ा डाउन पॉइंट है, जबकि Redmi Note 8 इस मामले में जो वो आगे निकल गया। लेकिन दोस्तों अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूं तो मुझे Redmi Note 8 थोड़ा सा कम लगा अगर मैं इसको Realme 5 से कंपेयर करूं, क्योंकि ऑब्वियसली कैपेसिटी आपको ज्यादा मिलती है तो ये थोड़ा ज्यादा चलती है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा ही डिफरेंस है तो थोड़ा ज्यादा चल जाती है, Redmi Note 8 थोड़ा कम चलता है उससे, लेकिन फास्ट ये ज्यादा चार्ज होता है, Realme 5 को चार्ज करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, तो ये एक चीज है जो आपको ध्यान रखना है। कैमरे की बात करें दोस्तों तो यहां पर अब इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा लेंथी पार्ट है, आपको समझना पड़ेगा। Redmi Note 8 में आपको पीछे क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है, प्राइमरी 48 मेगापिक्सल है, Samsung वाला सेंसर है, f1.8 का एपर्चर है, 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, स्लो मोशन है, नाइट मोड है, वगैरह वगैरह की चीजें आपको मिलती है। उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो मिलता है। Realme 5 में आपको 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, f1.8 का एपर्चर वहां पर भी है और वहां पर भी आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, वहां पर भी स्लो मोशन और नाइटस्केप वगैरह आपको मिलता है। बाकी के तीनों कैमरे सेम है जो आपको Redmi Note 8 में देखने को मिलते हैं। अब यहां पर दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, कुछ सैंपल्स मैं आपको दिखा रहा हूं, Realme 5 और Redmi Note 8 के कैमरे की क्वालिटी दोनों ही काफी बढ़िया आपको मिलती है, बहुत ही जबरदस्त आपको पोर्ट्रेट शॉट्स मिलते हैं, आप देख सकते हैं आपको डायनामिक रेंज भी दोनों में काफी बढ़िया मिलता है। कहीं कहीं मुझे Realme 5 के कलर्स थोड़े बेटर लगे थे क्योंकि थोड़े पंची थे, जबकि Redmi Note 8 इतना पंची नहीं निकल कर आया, लेकिन एक चीज ये है कि जो डिटेल थी वो मुझे Redmi Note 8 की बेटर लगी थी जब मैंने उसको Realme 5 से कंपेयर किया था। अब दोस्तों 48 और 12 मेगापिक्सल वाले कैमरे का कंपैरिजन करता हूं तो यहां पर भी मेजर डिफरेंस नहीं था, आप थोड़ा सा जूम करते हो तो डिटेल आपको बस Redmi Note 8 में दिख जाएगी, बाकी क्वालिटी यहां पर आपको दोनों में एकदम सेम देखने को मिल रही है। ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स भी अगर आप देखते हैं तो काफी कमाल के निकल कर आए थे दोनों के अंदर, और एज डिटेक्शन भी देखेंगे तो काफी बढ़िया आपको यहां पर देखने को मिलता है। जैसे यहां पर साथ में आप देखेंगे आपको कुछ वाइड शॉट लेने को मिलते हैं तो यहां पर भी कोई खास फर्क नहीं था, एकदम सेम था, और हां दोनों में आपको मैक्रो शॉट्स मिलता है तो वो भी आप देख सकते हैं। बस कहीं कहीं मुझे Redmi Note 8 का जो डिटेल था वो थोड़ा सा बेटर लगा था जब मैंने उसको Realme 5 से कंपेयर किया था। वैसे दोस्तों रियर वीडियो की बात करें तो आप देख सकते हैं दोनों में आपको काफी बढ़िया यहां पर जो वीडियो मिलती है ये मैंने फुल HD में निकाला था, और स्टेबलाइजेशन देखेंगे दोस्तों ये भी आपको काफी कमाल का मिलता है, तो वीडियो है दोस्तों दोनों में वो आपको काफी बढ़िया मिलता है, इस मामले में कोई फर्क मुझे यहां पर नजर नहीं आया था। अब नाइट की बात करें दोस्तों तो नाइट में मुझे देखेंगे Realme 5 थोड़ा सा बेटर लगा था क्योंकि वहां पर थोड़ी कम नॉइस थी, Redmi Note 8 में नॉइस थोड़ी ज्यादा थी, आप देखेंगे जो स्ट्रीट लाइट जो है उसके जो फ्लेयर है वो आप देखेंगे क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है, जबकि उसको Realme 5 ने जो वो मेंटेन किया है। तो हां नाइट के सैंपल्स की बात करूं तो Realme 5 मुझे थोड़ा बेटर लगा था, और दिन की बात करें तो ऑब्वियसली मुझे Redmi Note 8 बेटर लगा था। अब सेल्फी की बात करें तो दोनों में सेम सेल्फी है, 13 मेगापिक्सल की f2.0 का अपर्चर है, पोर्ट्रेट ब्यूटी और फुल HD वीडियो आप निकाल सकते हैं। सेल्फी की क्वालिटी देखेंगे एकदम क्लोज है, यहां पर भी मुझे कोई खास फर्क नजर नहीं आया, आप देख सकते हैं डिटेल और जो पोर्ट्रेट शॉट्स निकल कर आया और जो एच डिटेक्शन है वो एकदम सही तरीके से दोनों में मेंटेन किया है। और प्लस दोस्तों अगर मैं वीडियो की बात करता हूं तो आप देख सकते हैं दोनों में वैसे काफी आपको अच्छी डिटेल में और स्टेबलाइज्ड वीडियो मिलती है, तो इस मामले में भी यहां पर आपको कोई इशू नहीं होगा। अब बात करते हैं दोस्तों उन इंपॉर्टेंट फीचर्स की जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। दोनों में ही दोस्तों आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट मिलता है, आप चाहे तो एक एक्स्ट्रा माइक्रो एसडी कार्ड दो सिम के साथ लगा सकते हैं। साथ में यहां पर दोस्तों अगर मैं पोर्ट्स की बात करूं तो Redmi Note 8 में आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है, Realme 5 में आपको सिर्फ माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलता है। ये यार थोड़ा चेंज कर देता Realme तो अच्छा रहता था, क्योंकि 10,000 की रेंज में अभी हमें टाइप सी पोर्ट मिल रहे जो Realme को समझना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों स्पीकर क्वालिटी की बात करूं तो मुझे दोनों के स्पीकर में कोई खास फर्क नहीं नजर आया, हालांकि Redmi Note 8 में उन्होंने थोड़ा इंप्रूव किया था, फिर भी क्वालिटी यहां पर एकदम सेम है, उस मामले में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। वैसे दोनों में आपको डुअल 4G वोल्टी मिलता है तो जो कॉल क्वालिटी थी वो बढ़िया थी, यहां पर जो ईयरपीस की जो ऑडियो थी वो भी बढ़िया है, मुझे कोई खास ऐसा नेटवर्क ड्रॉप का इशू इतना नहीं आया था, तो कुछ वैसे ही आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा दोस्तों यहां पर आयर ब्लास्टर आपको Redmi Note 8 में मिलता है ऊपर की तरफ, जबकि Realme 5 में आपको वो नहीं मिलता है। नोटिफिकेशन LED लाइट की बात करें तो Redmi Note 8 में लेफ्ट में ऊपर की तरफ है, Realme 5 में आपको वो नहीं मिलता है। वैसे वाइडबैंड सपोर्ट की बात करें तो Redmi Note 8 में वाइडबैंड 11 मिल रहा है, ये अच्छी बात है कि आप HD कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं, यहां पर Realme 5 में नहीं मिलता है। और दोनों में वैसे आपको कैमरा 2 API का सपोर्ट जो वो देखने को मिलता है। वैसे Redmi Note 8 आपको P2i कोटिंग के साथ में मिलता है, पानी के छींटे उड़ते कुछ होता तो ये उसको प्रोटेक्ट करेगा, Realme 5 में ऐसा कुछ उन्होंने ऑफिशियली हमसे नहीं बताया था। वैसे यहां पर दोनों में आपको जो Android 9 Pie आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, Redmi Note 8 में आपको बहुत ही जल्दी मतलब दिसंबर में ही MIUI 11 मिलेगा, तो एक अच्छी बात है। Realme 5 जाएगा सीधा 2020 मतलब 2020 में, इसमें आएगा ColorOS 7 और Android 10 आएगा, जो कुछ इस तरीके की चीज यहां पर होगी। उसके अलावा यहां पर फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक
अनलॉक की बात करें तो दोनों में ऑब्वियसली मिलता है, पीछे की तरफ फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है और सामने फेस अनलॉक है, तो कुछ खास फर्क नहीं है, एकदम फास्ट है, दोनों में कुछ वैसे ही है। और सार वैल्यू की बात करें दोस्तों तो Redmi Note 8 में हेड के लिए आपको 0.255 वॉट्स पर किलोग्राम मिलता है और बॉडी के लिए आपको 1 वॉट्स पर किलोग्राम मिलता है, तो हेड के लिए काफी कम है। और Realme 5 में हेड के लिए 1.180 है, बहुत ज्यादा है, और बॉडी के लिए 0.631 है, तो थोड़ा सा कम है। तो हेड के लिए Realme 5 में बहुत ज्यादा है जबकि Redmi Note 8 में थोड़ा सा कम मिलता है। फाइनली दोस्तों अगर मैं कंक्लूजन की बात करता हूं तो आपको तो पता ही है सामने आपके विनर है कि यहां पर Redmi Note 8 में आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो लेटेस्ट है और वो एक फोन में होना चाहिए जो आपकी आंखों के सामने था। वैसे दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैं Realme की बहुत फेवर करता हूं, मैं Realme के साथ बायस्ड हूं या ये हूं। यार जब मुझे ठीक लगा जो वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, और क्लियर है यार, आपको छोटा बच्चा भी बता देगा कि हां Redmi Note 8 आपको बेटर मिलता है 10,000 की रेंज में, काफी सारी चीजें ऐसी है जो Realme 5 में नहीं है। लेकिन Realme 5 इसका मतलब ये नहीं कि ये फोन बकवास है, नहीं है। इस प्राइस में बड़ी स्क्रीन दिया, इस प्राइस में बड़ी सी बैटरी दिया और इसमें भी बहुत अच्छी चीजें मिलती है, तो एक टाइम पे ये भी फोन काफी बढ़िया है। हाँ लेकिन Redmi Note 8 आया है तो उसमें थोड़े लेटेस्ट फीचर्स है, तो Redmi Note 8 आपको बेटर मिलता है। तो दोनों में से मेरे हिसाब से Redmi Note 8 विनर है, तो इस वीडियो का यही कंक्लूजन निकल कर आता है। तो बस जो गलत फहमियां है लोगों के दिमाग में वो निकाल दो, मेरी आंखों के सामने मुझे जो ठीक लगता है मैं उसको विनर करता हूं, मुझे बुरा लगता है मैं उसको लूजर करता हूं। और ये फीडबैक है कंपनी के लिए भी कि अगर उनको ये वीडियो देखते हैं और उनको लगता है कि भाई ये कमियां निकल कर आई है तो आगे चल के वो लोग उस पर काम करते हैं, और Realme इस मामले में सही है कि वो हमेशा से फीडबैक लेता और काम करता है। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों तो लाइक करना, ऐसी कंपैरिजन फ्यूचर में लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। One.